हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कर रहे थे यूनिट कॉस्टिंग जिसको कि सिंगल कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग भी हम लोग कहते हैं और इसमें हम लोग कॉस्ट सीट बनाना सीख रहे थे कई सारा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया है पर यूनिट कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया है टोटल कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया है पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट से कॉस्ट सीट बनाना सीखा है आज का टॉपिक हमारा एक नया टॉपिक है आज हम लोग प्रोडक्शन अकाउंट जिसको कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं तो आज हम लोग प्रोडक्शन अकाउंट बनाना सीखेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है और कल से हम लोग दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन तो आज हम लोग जो प्रोडक्शन अकाउंट सीखने वाले हैं ये क्या है प्रोडक्शन अकाउंट भी हम लोगों को पर यूनिट कॉस्ट और साथ ही साथ हम लोग को टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताएगा ये चूंकि अकाउंट के फॉर्मेट में है यानी लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में ये होने वाला है यानी एक डेबिट साइड होगा एक क्रेडिट साइड होगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट भी होगा साथ में कॉलम एक तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन अकाउंट या इसको हम लोग बोलते हैं मैनुफैक्चरिंग अकाउंट तो प्रोडक्शन अकाउंट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है तो इस अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को Losses को डालेंगे क्रेडिट साइड में इनकम गेन को हम लोग डालेंगे क्यों क्योंकि प्रोडक्शन अकाउंट जो है ये हम लोगों को कॉस्ट निकाल कर देगा इसमें हम लोग एक्सपेंसेस एक्सपेंसिस इनकम गेन प्रॉफिट को लेके चलते हैं इसलिए ये अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट में आता है तो प्रोडक्शन हैचर नॉमिनल नेचर का है ठीक है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन अकाउंट क्या है देखिए द टर्म प्रोडक्शन अकाउंट इज यूज टू डिनोट द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ये मैन्युफैक्चरिंग का पर्टिकुलर फॉर्म को दर्शाता है ये फाइनेंशियल अकाउंट जैसा ही होता है एक्चुअल कॉस्ट इससे हम लोग को पता चलता है प्रोडक्शन का कितना हो रहा है ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जनरली ये शॉर्ट पीरियड के लिए एक महीने के लिए फोर्थ नाइट यानी पंद्रह दिन में अगर हम लोग अपना कॉस्ट जानना चाहते हैं तो प्रोडक्शन अकाउंट बनाकर हम लोग पता कर सकते हैं द प्रोडक्शन अकाउंट एक दूसरे एक्सपर्ट कहते हैं द प्रोडक्शन अकाउंट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ये डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग यानी जनरल एंट्री पर बेस्ड है तभी तो लेजर फॉर्मेट बनता है द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंट इज टू शो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं अलॉन्ग विथ साथ ही साथ द कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट भी हम लोग को डिटेल में पता चलता है और एनालिटिकल वे में पता चलता है एनालिसिस अलग अलग हो जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड यूनिट का जो कॉस्ट है वो द प्रोडक्शन अकाउंट ऑल्सो नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के भी नाम से जानते हैं ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में चलता है जैसे कि ब्रिक मेकिंग ईंटा बनाने वाला कंपनी कोल एंड कोक जहाँ कोयला और कोक चारकोल वगैरह बनता है पिग आयरन जहाँ कच्चा लोहा कच्चे लोहा का जहाँ काम होता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यान एंड क्लोथेज जहाँ यान धागा है ना जहाँ धागा और कपड़े का बिजनेस होता है इंडस्ट्रीज द इंफॉर्मेशन इन दिस अकाउंट इज प्रेजेंटेड इन सच फॉर्म दैट दप, तो इस तरह से हम लोग इस अकाउंट को बनाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और फाइनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग को पता चल जाता है और फिर हम लोग अगर सेल्स गिवन हो तो प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो प्राइम कॉस्ट पता चलेगा वर्क्स कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट पता चलेगा फिर हमारा ऑफिस कॉस्ट यानी फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता चल जाएगा और फिर हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड जब डाल देंगे तो फाइनली हम लोग को टोटल कॉस्ट का पता चल जाएगा और फिर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे मे बी क्लियरली डिमार्केटेड एनालिसिस ऑफ दिस अकाउंट ऑफ द ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बाय आइटम ऑफ एक्सपेंसेस एड्स टू द यूटिलिटी ऑफ द अकाउंट तो ये बात यही कह रहा है प्रोडक्शन अकाउंट बना करके सारा अलग अलग कॉस्ट पहले हम लोग कॉस्ट सीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना करके हम लोग अलग अलग जो पहले प्राइम कॉस्ट फिर फैक्ट्री कॉस्ट फिर ऑफिस कॉस्ट और फिर लास्ट में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट जो पता करते थे स्टेप बाय स्टेप तो प्रोडक्शन अकाउंट बना करके भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पता कर लेंगे अकाउंट के फॉर्म में बस चीज़ें होंगी ये रहा आपका परफॉर्मा सारे एक्सपेंसेस को लॉसेस को डेबिट में डालना है पहले जो डायरेक्ट पहले कॉन्सेप्ट हम लोग को वही अप्लाई करना है जो हम लोगों ने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पढ़ा था यानी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर के हम लोग को प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है ये रहा इस सारे एक्सपेंसेज को लेंगे तो प्राइम कॉस्ट सबसे पहले पता चल जाएगा फिर यहाँ देखिए वर्क ओवरहेड बोले तो फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री में होने वाले जो भी खर्चे हैं उन सारे खर्चों को हम लोग यहाँ ले लेंगे अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो ऐड कर देंगे अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको हम लोग लेस कर देंगे कुछ मटेरियल अगर हम लोगों ने सेल कर दिया है उसको लेस कर देंगे फिर आ जाएगा हमारा वर्क कॉस्ट बोले तो फैक्ट्री कॉस्ट ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट इसमें अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन यानी हम लोग यहाँ पर जो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस अगर कुछ होंगे तो उन सारा हम लोग उसको ऐड कर लेंगे ऐड करने के बाद जो हमारा आएगा अमाउंट उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले जैसा ही है इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम लोग इससे माइनस कर लेंगे और ऑफिस में होने वाले खर्चों को ऐड कर लेंगे अब जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ही गया इसके बाद अब हम लोग हाँ इसके बाद हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओ बोलते हैं इसको हम लोग अपने होगा फाइनल अकाउंट क्लास इलेवन में इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड जो भी होंगे खर्चे बेचने के और जो प्रशासनिक खर्चे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उन सारे खर्चों को जोड़ देंगे और फाइनली हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारा और यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस अगर है तो फिर बैलेंसिंग फिगर को हम लोग प्रॉफिट वो ये सेल्स तो क्रेडिट साइड में ही रहेगा यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर सेल्स बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा ठीक है तो इस फॉर्मेट से अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी अगर आ रहा होगा या कम समझ में आ रहा होगा तो एक क्वेश्चन अभी हम लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ें बिल्कुल आपके लिए सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आइए देखिए प्रिपेयर अ प्रोडक्शन अकाउंट हम लोग को प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है और कुछ डिटेल हमारे पास है कॉस्ट पर आर्टिकल आर्टिकल यानी पर यूनिट हम लोग कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग का कैलकुलेट करना है इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसर इज सिक्स थाउजेंड छः हजार आर्टिकल हम लोग तैयार कर रहे हैं जिसके लिए हम लोग को रॉ मटेरियल का जो इंड है ना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी क्लोजिंग मटेरियल ये रहा आपका ये तो प्राइम कॉस्ट में जाएगा स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द स्टार्ट यानी ओपनिंग रॉ मटेरियल है ये भी प्राइम कॉस्ट में जाएगा पी लिख दें आपको तो पता है पहले बताया था मैंने प्राइम कॉस्ट के लिए पी फैक्ट्री कॉस्ट के लिए सी और फिर ऑफिस uh, कॉस्ट के लिए हम लोग ओ डालते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हम लोग एस डालते हैं परचेज ऑफ मटेरियल हम लोगों ने किया है इसको प्राइम कॉस्ट में लेके जाएंगे सेल ऑफ मटेरियल अच्छा मटेरियल रॉ मटेरियल अगर हम लोगों ने मंगाया है ऐड करना चाहिए प्राइम कॉस्ट में लेकिन कुछ मटेरियल रॉ मटेरियल अगर हम लोगों ने किसी कारण से किसी को सेल कर दिया तो वो रॉ मटेरियल हमारा यूज़ में नहीं आया जो यूज़ में नहीं आया प्रोडक्शन के काम में तो उसको हम लोग लेस कर देंगे माइनस कर देंगे तो मटेरियल अच्छा तो सेल ऑफ़ मटेरियल जो है ये प्राइम कॉस्ट में जाएगा लेकिन इसको हम लोग माइनस कर देंगे मटेरियल रिजर्वड कोई ये प्राइम कॉस्ट में जाएगा और इसको माइनस कर लेंगे जो मटेरियल हम लोगों ने रिजर्व में रख लिया है कभी कभी ऐसा होता है ना कि मटेरियल हम लोग एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं ताकि वो दो तीन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा काम आए दो तीन आ, बार हम लोग प्रोडक्शन का काम कर सके ले सके एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोगों ने मंगा लिया तो जो हम लोगों ने कुछ रिजर्व में जो मेटर रख लिया कि नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हम लोग उसको अप्लाई करेंगे तो उसको रिजर्व कर लिया तो यूज नहीं किया जो यूज नहीं किया उसको माइनस कर लेना है वेजेस को हम लोग को प्राइम कॉस्ट में ऐड कर लेना होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है ये तो फैक्ट्री में जाने लायक है वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये तो हम लोग फैक्ट्री में ही ऐड कर लेंगे और जो वर्क इन प्रो जो स्टार्ट में है और एंड में जो है यानी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इसको हम लोग माइनस कर लेंगे ये भी फैक्ट्री में ही जाने वाला है ठीक है इसके अलावा कोई आइटम है नहीं प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो गया अब आइए <coughs> चलो जी तो ये जो प्रोडक्शन अकाउंट है अभी हम लोगों ने चर्चा किया है ये बाय नेचर क्या है ये नॉमिनल अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंड ऑल द इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट तो डेबिट में सारे खर्चे तो प्रोडक्शन अकाउंट में क्या खर्चे ही मिलेंगे ज्यादातर हम लोगों को सबको डेबिट में लेके चलेंगे स्टार्ट करेंगे पहले जैसा टू मटेरियल कंज्यूम्ड टू मटेरियल कंज्यूम्ड कितना मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम किया है तो मटेरियल एट स्टार्ट मटेरियल एट स्टार्ट जिसको हम लोग ओपनिंग मटेरियल भी कहते हैं ग्यारह हजार रुपए का है इसमें ऐड करना है परचेजेस ऑफ मटेरियल परचेजेस ऑफ मटेरियल सिक्सटी थ्री फाइव हंड्रेड ये हो गया आपका सेवेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें से हम लोग को लेस कर देना है क्या क्या लेस करना है देखो जी सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जिसको एट इंड uh, लिखा है क्या क्या लिखा है जी हाँ थर्टीन थाउजेंड तेरह हजार का ये मटेरियल हम लोग लेस कर देंगे उसके बाद सेल ऑफ मटेरियल सेल ऑफ मटेरियल पंद्रह का मटेरियल हम लोगों ने सेल किया है ये भी यूज़ में नहीं आया है इसको लेस कर देना चाहिए जो मटेरियल हम लोगों ने रिज़र्व कर लिया है मटेरियल रिजर्वड रिजर्व हम लोगों ने कर लिया है सोलह सौ का मटेरियल ये तेरह और एक चौदह हज़ार एक पंद्रह हजार सोलह हज़ार एक सौ यानी सेवेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से सोलह हज़ार एक सौ अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो ये आता है हमारा अंठावन हज़ार चार सौ अंठावन हजार चार सौ ये पर यूनिट का कॉलम है इस कॉलम में भी आप लोग अभी अमाउंट डालेंगे है ना चलो इसके बाद अब आ जाता है हमारा वेजेस टू वेजेस अभी तक हम लोगों ने सब सारा मटेरियल को लिया था वेजेस है हमारा फोर्टी नाइन फोर हंड्रेड फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन फोर हंड्रेड हमारा है ये वेजेस ठीक है चलो जी अच्छा यूनिट जो है हमारा तैयार हो रहा है छः हज़ार यूनिट तो सिक्स थाउजेंड यूनिट से फिफ्टी एट फोर हंड्रेड को जब डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा नाइन पॉइंट सेवन थ्री नाइन पॉइंट सेवन थ्री ये आ जाएगा एट पॉइंट टू थ्री यानी 49400 नाइन फोर हंड्रेड में हम लोगों ने सिक्स थाउजेंड आर्टिकल यानी यूनिट से डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा आपका आठ रुपया तेईस पैसा ठीक है तो इतना करने के बाद अब हमारा जो एक कॉस्ट निकल करके आएगा ये हो जाएगा सत्रह रुपया छियानवे पैसा और ये हो जाएगा आपका एक लाख सात हजार आठ सौ इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट पहले भी हम लोग ऐसे ही करते थे डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते थे तो प्राइम कॉस्ट ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट इसके बाद अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड तो यहाँ तो ऐसे लिखेंगे नहीं हम लोग कॉस्टिक माफिक अब हम लोग को ऐड करना है फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री में होने वाले खर्चे एक ही एक्सपेंसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां लिखा है मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका है यहां सात हजार आठ सौ हाँ सात हजार आठ सौ रुपये का आपका ये है एक मिनट ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है सात हजार आठ सौ रुपये का ठीक है अब इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है पूरे क्वेश्चन में ऑफिस में होने वाले कोई खर्चे नहीं हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए कोई भी खर्चा अगर नहीं है अब हम लोग क्या करेंगे अरेसा भी हम लोग करते थे इसमें हम लोग को अब ऐड कर देना है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस डब्ल्यू आई पी यानी वर्क इन प्रोग्रेस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह कम है चार हजार हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सात चार ग्यारह हजार आठ सौ इसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग है तीन हजार ग्यारह में तीन गया तो आठ हजार आठ सौ फाइनली ठीक है चलो अब ये हो जाएगा उन्नीस रुपया तैतालीस पैसा ये हो जाएगा उन्नीस रुपया तैंतालीस पैसा ये हो जाएगा एक लाख सोलह हज़ार छः सौ रुपया ठीक है चलो ये जो अब दो तीन जो बच गया है इसका पर यूनिट हम लोग डाल देते हैं छः हज़ार यूनिट से आपका ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इसके एक्सपेंसेस को भागा लगा देंगे अगर तो ये हो जाएगा एक रुपया तीस पैसा इसको इस चार हज़ार को अगर हम लोग भागा लगा देंगे अगर जीरो पॉइंट सिक्स सेवन हो जाएगा पर यूनिट भी इसको जो है अगर हम लोग लेस करेंगे माइनस में है तो इसको हम लोग माइनस में रखेंगे लेकिन ये पचास पैसा हो जाएगा ठीक है चलो अब आते हैं अपन क्रेडिट साइड में आइए क्रेडिट साइड में क्या है क्रेडिट साइड में हमारा जो आएगा ये इसको बोलते हैं बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेजर अकाउंट है तो क्रेडिट साइड में बाई करके लिखना चाहिए तो बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक लाख सोलह हजार छः सौ है एक लाख सोलह हजार छः सौ और आठ नहीं नहीं नहीं, नहीं उन्नीस रुपया तैतालीस पैसा उन्नीस सौ रुपया तैतालीस पैसा पर यूनिट कॉस्ट जो है ये आपका है फाइनली क्रेडिट साइड में हम लोग को कुछ नहीं करना है सेम इसी को यहाँ नोट कर देना है यानी उन्नीस रुपया पैसा एक लाख सोलह हज़ार छः सौ ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया सेल्स वगैरह तो इसमें गिवन है है ही नहीं इस क्वेश्चन में सेल्स वगैरह तो है नहीं नहीं तो हम लोग प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते थे है ना आइए फटाफट से आप इसका स्क्रीन ले लीजिए चलो और इसको अब से क्या है ना कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं जो हम लोग बोर्ड में देख रहे हैं तो इसको क्या है ना कि अपन आ, टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने बनाया है टेलीग्राम चैनल में डेली का पढ़ाई जो है हम लोग डाल देते हैं डेट वाइज आपको मिल जाएगा मैं कोशिश करूँगा उसको आ, नोट्स में वो चैप्टर का हेडिंग टॉपिक हेडिंग के साथ डाल दूँ ताकि आपको देखने में ईजी हो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि लिंक नहीं खुल रहा है तो मैं चेक कर लेता हूं अगर कोई दिक्कत है उसमें तो मैं उसको ठीक कर लेता हूं और मैं थोड़ा सा आ, ये टेक्निकली मेरे को इतना नॉलेज नहीं है अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं टेक्निकल चीज़ें कैसे कैसे होती हैं और मैं इसमें थोड़ा सा स्लो हूँ तो आप कोऑपरेट करते रहिए आपको मुझे सहयोग चाहिए मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और मैं जो भी जितना कुछ कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा आप लोग का भी कोऑपरेशन मुझे चाहिए सपोर्ट चाहिए हेल्प चाहिए तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक करें अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक करें कमेंट में बताएँ कहाँ गड़बड़ी है कहाँ दिक्कत है मैं उसको इम्प्रूव करूँगा तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय